गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर टू द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स आर ऑल द प्लांट्स ऑफ द सेम साइज। क्या सारे प्लांट सेम साइज होते हैं, एक ही साइज के होते हैं? नहीं होते हैं ना। हाउ मेनी सनफ्लावर प्लांट्स आर देयर? अब आपको इसमें एक फिगर दिखाया जा रहा है, एक पिक्चर है, उसमें आपको सनफ्लावर की काउंटिंग बतानी है कि इसमें इस पिक्चर में कितने सनफ्लावर दिए हुए हैं। एंड नाउ आई रीड द बुक। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ों को देखते हैं। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड प्लेस ऑफ ग्रोथ। सारे पेड़ सेम साइज नहीं होते हैं, वो अपने साइज में, शेप में, कलर में और प्लेस ऑफ ग्रोथ में हर पेड़ अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। प्लांट पेड़ जो प्लांट होते हैं वो जमीन पे भी होते हैं और पानी में भी होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टाइप्स यानी प्रकार। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। वेरी बिग, कुछ पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड टाल प्लांट, बहुत लंबे चौड़े मजबूत प्लांट होते हैं, उनको हम ट्री कहते हैं। वेरी बिग, स्ट्रॉन्ग एंड टाल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये पेड़ ट्रीज कहलाते हैं। ट्रीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग थिक एंड बॉडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अशोका, मैंगो, बनियान, कोकोनट। अशोक का पेड़ है, आम का पेड़ है, बनियान बरगद का पेड़ है, कोकोनट का, ये सारे एग्जाम्पल हैं ट्रीज के। ये सारे पेड़ एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, इनको हम ट्रीज कहते हैं। स्मॉल एंड वसी प्लांट्स सच एंड हिबिस्कस, जैस्मीन एंड रोज आर कॉल्ड श्रब। जैसे जैस्मीन, हिबिस्कस, ये छोटे छोटे जो वसी प्लांट हैं इनको सर्प कहते हैं। दे हैव थिन वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। इसमें ये पतले होते हैं और ये पेड़ के समान, बड़े बड़े वृक्षों के समान मजबूत पेड़ नहीं होते हैं। नाउ वेरी स्मॉल प्लांट्स सच एज कोरिएंडर, मिंट एंड ग्रास आर कॉल्ड हर्ब। बहुत छोटे जैसे धनिया, पुदीना, घास, ये सारे बहुत छोटे प्लांट, इनको हर्ब बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये पेड़ हर्ब कहलाते हैं। दे हैव ग्रीन सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वीक होती है। हर्ब आर स्मॉलर देन सर्ब। हर्ब जो होते हैं वो सबसे बहुत से थोड़े कम छोटे होते हैं। पेड़ जो ट्रीज है वो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, वो ट्रीज होते हैं। सम प्लांट सच एज टी, बीन एंड ग्रेपवाइन नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। कुछ पेड़ होते हैं जैसे मटर की बेल, बीन, सेम, ग्रेपवाइन, अंगूर की बेल, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ये अपने से खड़े नहीं हो सकते, ये अपने से नहीं बढ़ते पौते, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। जो जिन पेड़ों को, दीज प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, जिन पेड़ों को सपोर्ट की जरूरत होती है वो क्लाइंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर यानी बेल। क्लाइंबर्स हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। क्लाइंबर की जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और वीक होती है और ये अपने से खुद अपने सहारे से नहीं बढ़ते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है। दे कैन नॉट स्टैंड बाई देमसेल्फ, वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते। Some plants such as pumpkin, muskmelon and watermelon grow along the ground. कुछ आपने देखा होगा बेल होती है जो जमीन पे पौंटती है, वो सपोर्ट देने पे भी नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े और वेटी होते हैं, यानी उनमें वजन ज़्यादा होता है, तो वो सपोर्ट पे भी नहीं, उनके जो फ्रूट निकलते हैं वो नहीं खड़े हो सकते। उनको प्लांट, उन ऐसे प्लांट को जमीन की जरूरत होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स।
तरह के प्लांट को क्रीपर्स कहते हैं।